YouTube चैनल करण सॉल्यूशन 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का सांख्यिकी पढ़ाने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। आपको हर टाइप से तो बता चुके हैं, अगर आपको नहीं देखा आपने हमारा वीडियो तो प्लेलिस्ट में जाइए, सांख्यिकी कक्षा 10 के नाम से प्लेलिस्ट है। अब एक एक प्रश्न अभ्यास प्रश्नावली से स्टार्ट करते हैं। देखिए कक्षा 10 प्रश्नावली 14.1 का पहला सवाल, इसमें दे रखा है आप किस विधि का प्रयोग किए हैं, तो ये सरल विधि से प्रयोग होगा इसका। किस विधि से प्रयोग होगा? सरल विधि से। तो क्या करेंगे, इसका वर्ग अंतराल दे रखा है, फिर इसकी जो है बारंबारता, पहले सबसे पहले इसका मध्यमान करते हैं, बारंबारता बाद में लिख लेते हैं या बारंबारता लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। ऐसा है एक बारंबारता इसकी है एक और दो और एक और पाँच छः और दो और तीन। अब इसका मध्यमान करते हैं, तो मध्यमान का मतलब होता है दोनों का योग और आधा। दो जीरो कितना होगा? एक। दो जीरो कितना होगा? एक। और चार और दो कितना होता है? छः। छः का तीन। अब हमें ये नहीं करना है, इनको जोड़ें फिर दो से गुणा भाग करें, ऐसा हम नहीं करेंगे। इनका डिफरेंस चेक कर लेते हैं। देखिए चार छः चार दस, छः चार दस और अंतर कितना है? दो का। अगर दो इसमें हम जोड़ते हैं कितना हो जाएगा? पाँच। अब इनमें अंतर कितना है? दो का, तो हम इसमें दो जोड़ते हैं कितना हो जाएगा? सात। फिर सात में दो जोड़ेंगे कितना होगा? नौ। नौ में दो जोड़ेंगे कितना होगा? ग्यारह। ग्यारह में दो जोड़ेंगे कितना होगा? तेरह। अब आता हमारा है एफ गुणे एक्स, एफ गुणे एक्स। एक्स क्या होता है? ये होता है एफ, ये होता है बारंबारता। अब इन किन की गुणा करते हैं, तो एक एक कम एक और दो तीन कितने होते हैं? छः। एक पंचे पाँच, सात पचे पैंतीस, सात पचे पैंतीस, नौ छा चौवन के चौवन चौवन, ग्यारह दूनी बाईस, ग्यारह दूनी बाईस, तेरह तिया उनतालीस, तेरह तिया उनतालीस। अब इनका योग करते हैं, इनका योग करते हैं दोस्तों, क्या लिखते हैं इसको? सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना होगा? एक सौ बासठ, क्योंकि हमने पहले से जोड़ रखा है, आप जोड़ लेना, हम पहले से जोड़ रखे हैं। इनका योग करते हैं सिग्मा एफ, सिग्मा का मतलब होता है योग, एफ का मतलब बारंबारता। इनका योग आता है 20, आप जोड़ लेना, हम जोड़ के पहले रख चुके हैं क्योंकि वीडियो लंबी ना हो इसलिए। तो समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ बराबर 162 बटे 20। दो पंचे दो एक कम दो, दो जीरो जीरो, दो अठी सोलह, दो एक कम दो। अब एक स्थान बाद हम पॉइंट लगा देते हैं, तो इसका समांतर माध आ जाएगा 8.1। और इसमें दे रखा है आपने किस विधि का प्रयोग किया, तो सरल विधि का प्रयोग किया। कौन सी विधि का प्रयोग किया? सरल विधि का प्रयोग किया, सरल विधि का प्रयोग किया। एक बार आप ध्यान से पढ़िए, आप हर प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा है, जो प्रश्न नंबर दो देखिए, कुछ इससे टाइप चेंज है, उसे कहते हैं कल्पित माध्य या लघु विधि। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर दो देखिए, आपका दिया है वर्ग अंतराल आपका दे रखा है। अब सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं? मध्यमान। क्या करेंगे दोस्तों? मध्यमान। तो मध्यमान का मतलब क्या होगा? इसका 110, 100 और 120 कितने होते हैं? 220। इसका आधा कितना होगा? 110। अब जितना डिफरेंस है उतना इसमें हम जोड़ते जाएंगे, कितना का डिफरेंस है? 20 का, तो इसमें 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10 में 20 जोड़ेंगे 130, फिर 20 जोड़ते हैं 150, फिर जोड़ते हैं 170, फिर 190। अब आता है, इसके बाद आता है कल्पित माध्य, इसका नंबर आता है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य को लिखते हैं ए से, इसका कॉलम छोटा बनाते हैं 150, बीच की संख्या ले लेते हैं। फिर आता है विचलन, क्या आता है? विचलन, इसका आता है विचलन। तो विचलन में अब इसका 110 से 150 को घटाएंगे, कितना आएगा? माइनस का 40, कितना आएगा? माइनस का 40। फिर इसमें वही करते हैं, 20-20 का डिफरेंस था तो 20-20 कम होता जाएगा, फिर 20, फिर 40। अब लिखते हैं बारंबारता, बारंबारता, बारंबारता लिखते हैं, इसको लिखते हैं एफ से। बारंबारता बाद में इसलिए हमने लिखी क्योंकि पहले जो है आपको
गुणा करने में इधर से उधर आपका नज़र जा सकती थी आपकी। तो बारंबारता है 12 और 14, 8, 6 और 10। अब इनकी गुणा करते हैं, f गुणे x गुणे d, f गुणे x गुणे d, 12 चौक 48, 480, 14 दूनी माइनस के 280, 14 दूनी 28 और एक ये जीरो, और फिर 6 दूनी 12, 120, फिर कितने हो गए यहाँ पर 20 चौक 10 चौक 10 जीरो में जीरो 10 चौक 40, कितने हो जाएंगे 400, कितने हो जाएंगे 400। अब जोड़ लेते हैं तो 0 8 8 16 और 4 2 6 7 माइनस के आए 760। अब प्लस के जोड़ते हैं 400 ये एक ये 520, तो प्लस के हैं 520 घटा लेते हैं 4 तो आए 240, काहे के आए माइनस के 240 आए। अब माइनस के 240 आए तो माइनस के 240 यहाँ पर माइनस के 240 आए, तो सिग्मा एफ एक्स डी बराबर माइनस 240 और सिग्मा एफ बराबर कितना है 50, ये हमने पहले से कैलकुलेट रखा है। अब समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ एक्स डी बटे सिग्मा एफ बराबर 150, ये कितना था आपका 150 प्लस माइनस 240 बटे 50, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 चक्कू 20, पॉइंट लगाते हैं जीरो बढ़ाते हैं 5 अट्ठे 40, तो आपका जो ये आया माइनस 4.8। अब माइनस 4.8 आपको इसमें से घटा देना है, 0. माइनस इसमें से घटा देना है, तो हम पहले इस प्रकार से घटा लेते हैं, शायद आपको घटाने में कोई असुविधा ना हो। जैसे तो 4.8 और 0 यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर 9, 9 से 4 गए कितना बचा 5, तो आपका जो समांतर माध्य आया वो कितना आया 145.20 या 20, आपका जो समांतर माध्य आया वो कितना आया 145.2 रुपए, कितना आया 145.2 रुपए समांतर माध्य आया। आपको अगला प्रश्न अगले वीडियो में मिलेगा, प्रश्न नंबर 3 हम दिखाते हैं। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑल प्रेस करिए, शेयर तो करिए अपने दोस्तों के साथ, क्या भाई आप भी पढ़ेंगे, सभी को पढ़ना है। धन्यवाद दोस्तों।